जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे जो मेडिकल होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, उसमें क्या क्या चेक होता है, क्या क्या नहीं होता है। कई लोगों के ये सवाल रहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पर, बहुत मेरे छोटे भाई मैसेज करते हैं, सबकी रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इधर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशल कि ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल होगा वो कैसे होगा, फिजिकल होगा वो कैसे होगा, और क्या रनिंग वनिंग सब वापस होगा, तो उसके बारे में यह पूरा का पूरा वीडियो। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि मेरा एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिसमें मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू करने वाला हूँ मैं, तो उसका नाम है फौजी मैथ अकेडमी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी वो सर्चिंग में नहीं आएगा, तो आप जाके उसको, जो भी पढ़ना चाहते हैं, आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फौजी मैथ अकेडमी। नीचे मैं लिंक दे देता हूँ उसका, और मेरे चैनल के साथ अटैचमेंट भी। अब दोस्तों बता दूँ मैं आपको कि ज्वाइनिंग के टाइम पे पहली बात तो कि मेडिकल होगा या नहीं होगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो मेरे ख्याल से मेडिकल नहीं होगा, लेकिन हाँ, नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल होता ही है, इतना टाइम हो गया इसके लिए नॉर्मल मेडिकल आपका होगा ही। ये नहीं कि जितना भी हार्ड मेडिकल हुआ है कि आपका टॉयलेट चेक होता है, सब कुछ चेक होता है, यूरिन, तो उतना नहीं होगा। सर्सरी तौर पे मेडिकल बोलते हैं इसको, सर्सरी तौर पे कि मतलब कि जो बाहरी का कोई भी अंग है वो अगर टूटा फूटा नहीं है, जैसे अगर आपका मुंह है मान लो, चेहरा, तो बिल्कुल सब कुछ सही है। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरा दांत बाहर निकला हुआ है, मेरा दांत टूट गया है, मेरा दांत को ये कर लिया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, या कोई बोले मैं नाक की सर्जरी ऐसी हुई थी, मैं मेडिकल पास हो गया, अब सर्जरी करा लूँगी। तो अगर आपको टाइम है उसमें, अगर 15-20 दिन का टाइम लगता है, तो आप करा लीजिए। अब किसी का दांत बाहर है, नाक बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेडिकल के टाइम में वैसे थे तो अभी भी सेलेक्ट हो, उसमें आपको नहीं निकालेंगे। ये आर्मी और CRP मतलब जो पैरामिलिट्री, इसमें यही छूट दी गई है, ये चीज़ें छूट दी गई। कोई बोल रहे सर मेरा फ्लैट पेयर पड़ रहा था उस समय में पास हो गया, लेकिन अभी होगा, तो उस समय अगर आपको पास किया तो अभी भी पास हो जाएगी। अब कहीं होंगे जैसे कोई बोल रहे हैं मेरे को कि सर उस समय तो मेरी 6x6 आँख थी, अब होगी कि नहीं होगी, तो चिंता मत करो, अब आपकी आई साइड वैसे चेक नहीं करेंगे, बस सर्सरी तौर पर आपको देखेंगे कि हाँ भाई कुछ टूटा फूटा तो नहीं है शरीर का। जैसे आपके कान, अब कोई बोल रहे हैं कि सर मेरे कान में वो क्या बोलते हैं उसको, गंदा मेल आ रहा है, तो आप साफ करा लीजिए, अगर सही करा सकते हो उसको सही करा लीजिए, उसके दवाई वाई ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब किसी का हाथ सर्दी तौर पे जैसे चेहरे का इस प्रकार हो गया कि आपका देख लिया कहीं से वो टूटा फूटा नहीं, चारों तरफ घुमा के कर देना पड़ता हाथ को, ये अब बोल रहे हो कि सर ये मेरे उस समय पास हो गया था, ऐसे किया था, अब पास मेरा टच हो रहा था लेकिन उस समय पास हो गया, वो हो गया। तो अगर उस समय टच हो रहा था, उस समय पास हो, तो अभी भी पास हो। हाथों को जैसे उंगलियों को देख लिया कि काम कर रही है नहीं कर रही सभी, तो अगर किसी की भी प्रॉब्लम हो गई है, अगर वो तैयार करा सकता है तो करा सकता है, आपको उसमें बाहर नहीं करेंगे। तो आप ये मान के चलिए हाथों को जैसे इसी प्रकार देख लिया, राउंड करवा लिया, चारों तरफ घुमा के देख लिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाथ में, कहीं पे टूटा वूटा तो नहीं है आपका, कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। अब साथ में ये चीज़ बता दो, अगर मान लो फ्रैक्चर हो गया, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, कोई बाकी, पता है मुझे इस समय ज़्यादा गिरते हैं, आप ये बात, इस बात से आप भी एग्री करोगे मेरी कि जब ऐसा कुछ काम होता है ना, तो पक्का ऐसा ना ऐसा कोई काम हो जाता है, कोई गिर जाता है, कट जाता है, तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर कुछ हो गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर फ्रैक्चर मान लो, अगर आप प्लास्टर, तो आपको ज़रूर टाइम दिया जाएगा उसको सही करा के फिट होने का, फिर आपका दोबारा मेडिकल होगा, उसके लिए आपको टाइम, आप डिमांड कर सकते हो और आपको उसके लिए टाइम भी मिलेगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, फालतू की टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मेरे को कुछ एक जो प्रॉब्लम है, एक बंदे ने बोला सर मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, मैं रनिंग कर पाऊँगा, मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, तो देखो अगर वो आपकी प्रॉब्लम कैसी है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ट्रेनिंग तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग आप ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें एक रूल भी लिया है, ट्रेनिंग में आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप है, लेकिन मेरे ख्याल से आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ रहोगे आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे। कुछ ऐसी बीमारियाँ ऐसी होती है जो फिजिकल एक्सरसाइज से अपने आप दूर हो जाती है, तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना। तो आपको कोई भी बीमारी है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करना। तो हो गया नाक का, हाथ का, पैरों को जैसे खड़ा कर रखा है तो आपको ऐसे खड़े कर लेंगे, पैर को फोल्डिंग वोल्डिंग जैसे इस प्रकार फोल्डिंग करवा लेंगे, ऐसे फोल्डिंग वोल्डिंग करवा लेंगे पैरों को कि भाई फोल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, उंगलियां देख लेंगे पैरों की, हाथ की, पैर सही से काम करे, चला के देख लेंगे कि भाई सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, या कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, बस यही चीज़ें देखेंगे, इसके अलावा और कोई मेडिकल
नहीं होगा ये मान के चलिए, मैं आपको 101% आप इस बात पर विश्वास कर लीजिए। और नहीं करते तो ये वीडियो इसी समय है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन वापस इस पे वीडियो पे आके कमेंट करके बोल देना कि सर हमारा पूरा का पूरा मेडिकल हुआ। तो नहीं, सरसरी तौर पर ही मेडिकल हुआ, फिर आपको घुमा लिया, पीछे से देख लिया, कहीं कोई चोट वोट का चोट तो नहीं है, कोई बड़ी चोट तो नहीं लगी है, इन दिनों में इतने दिन बीत गए इसमें कोई बड़ी चोट तो नहीं आई है, वो चीज़ें देखेंगे। अब अगर कईयों की प्रॉब्लम हो जाती है तो ज़्यादातर लोग इनसे दुखी है पड़ोसियों से, मुझे पता है ज़्यादातर लोग पड़ोसियों से दुखी है कि पड़ोसी उनको कईयों के झगड़े हो रखे हैं, पड़ोसी बार बार केस करने की धमकी देते हैं कि उन पर पुलिस केस कर देंगे, ये कर देंगे। तो पहले तो आप लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ोसियों से, क्योंकि वो इस समय ये नाजुक समय आपके लिए, उनके लिए नहीं। एक बार ज्वाइन हो जाओ, आप ज्वाइन करने के बाद में आपका डिपार्टमेंट इन चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। अगर मान लो आपके घर वालों को कोई परेशान करता है तो आपका डिपार्टमेंट डायरेक्ट आपके SP से कॉन्टेक्ट करता है और आपकी पूरी की पूरी जितनी हेल्प आपको चाहिए उतनी की उतनी हेल्प करता है। तो आप इन झगड़ों से दूर रहिए। अब आपको कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमारे ऊपर केस कर देंगे पड़ोसी, फालतू ये हो जाएगा वो आ जाएगा, तो केस करने से आपको कोई डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आपको कोर्ट सजा नहीं देता, ठीक है। साथ में ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया। तो आप पहले लड़ाई झगड़े से तो बिल्कुल उचित दूरी बना के ही रखिए, क्योंकि अगर आपको मान लो एक बार फ्रैक्चर हो गया हाथ में, आपको नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, अगर एक बार यहाँ से मान लो फ्रैक्चर हो गया, आपको टाइम दे दिया तैयार करा के आ गए, फिर आप मेडिकल फिट भी हो गए, लेकिन ट्रेनिंग तो आपको फिर भी करनी है, ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग में आपको कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज में छूट नहीं मिलती है ये मान के चलिए। तो आपको अपने आप को फिट रखना है, जैसे हो वैसे रखना है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अगर हो जाए ऐसा किसी के कोई भी प्रॉब्लम हाथ में या पैर में या कोई भी फ्रैक्चर आ जाए तो वो थोड़ा सा तैयार कर लेना, तो वो चांस लेना। बाकी अगर आप स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ ही रहिए, क्योंकि आने वाले दो एक महीने के अंदर, एक या डेढ़ महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो ही जानी है। तो इसलिए आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम आए। तो इसके बाद जैसे पैरों का मेडिकल हो गया, और इसके अलावा आप सोच रहे हो कि भाई वापस पूरा पूरा मतलब जैसे अंडर गारमेंट्स के अंदर का भी जैसे मेडिकल होता है पेनिस का, इनका कोई भी मेडिकल नहीं होगा, वो एक बार हो गया चेक, बस हो गया चेक, दोबारा उसका कोई भी मेडिकल वैसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। मैं सरसरी तौर पर जैसे अभी तो मैं आपको फिजिकली नहीं बता के कर रहा हूँ, एक वीडियो आपको ज़रूर बता दूंगा कि किस प्रकार वहाँ पर खड़े करके सरसरी तौर पर जो मेडिकल होता है वो कैसे होता है, वैसा ही मेडिकल होना है। अगर फिर से मेडिकल करने चले गए तो 3-4 साल वैसे ही बोलने कि पत्थर के सनम तुम कब आओगे वही बात हो जाएगी, सावन बीत गया वो गाना है ना, तो साउंड बीते जाएंगे मेडिकल होता जाएगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। सरसरी तौर पे भी आपको जैसे खड़ा किया एक लाइन से खड़ा करेंगे, हाँ चल भाई ठीक चला के देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं चोट नहीं है पूछ लेंगे चोट वोट नहीं है, नहीं हाथ पैर देख लिए मुंह देख लिया बात करो। अब कहीं कि दांत ज़्यादा है कम ज़्यादा मैंने बता दिया, वो अब मेरे को मैसेज नहीं करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस समय मेडिकल फिट, इसका मतलब फिट, चला के देख लिया कोई चोट चाट नहीं है, कोई बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, इसका मतलब कि आप फिट हो। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपको कि सरसरी तौर का मतलब है कि आपको बाहरी रूप से देख लिया कि हाँ ठीक ठीक है चलो। अब किसी के नाक का, हाथ का, कान का, आँख का अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर वो सुधराना चाहता है तो सुधरा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में एक और चीज़ इसमें बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे आधार कार्ड में या इनमें नाम सेम नहीं, तो जिसमें आप सेम कराना चाहते हो जैसे 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आप आधार कार्ड में अगर नेम सेम कराना चाहते हो तो ज़रूर करा लेना। और दोस्तों कुछ लोग मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि आपके वीडियो दूसरे चैनलों पे आ रहे, तो क्या आपके चैनल नहीं, मेरा एक यही चैनल है जिसमें मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसके साथ पे जो फौजी मैथ अकेडमी मैं ओपन किया हूँ न्यू चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो मेरा चैनल है, उसमें मैं मैथ और रीजनिंग की क्लासें शुरू करने वाला हूँ। जो पढ़ने की इच्छुक हो उस पर जरूर जुड़ जाए, और जो नहीं है जो लगने वाला SSGD में वो मेरे छोटे भाई मुझे ज़रूर सपोर्ट करे, अपने दोस्तों में शेयर करे वो चैनल उसका लिंक, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी मेरे को आपका ऐसा ही प्यार मिले। तो इसके अलावा मेरा और कोई भी चैनल पे वीडियो नहीं आता, अगर आता है तो आप उस चैनल को रिपोर्ट कर सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।